वाले कपड़े कौन खरीदेगा, ठीक है। लेकिन खान साहब अगर कहें मैं अपने कपड़े बेचूं तो वो खरबों मिलियन में बिके, बिका और सहन उस लड़के पे उन्होंने किया वो सहन करोड़ों में। इतना एक तंग हो गया कि आपकी सोच है, यकीन करेंगे बहुत परेशान है लोग। अच्छा मतलब एक माहौल बनेगा, बाहर के लोग उसके साथ आएंगे, बाहर से देखे ना पैसा आवाज इसके मुकाबले का नहीं है, खान के मुकाबले का कोई नहीं है। हमारे अभी आप पहले बचपन में जी हम भी उधर ही थे बचपन में, आप जी हमारे बड़े भी वहीं से हिजरत करके आए थे। लाला पहले वैसे क्या क्यों कहते हैं? अमीर तो वो अभी हुए हैं ना, पहले भी वो इसी तरह थे, इसी मोहल्ले में वो रहते हैं, सामने गली में उनका घर था, काम होता है ठीक है, और उन्होंने सील कर दी थी वेली पे, लिया था कि क्लियर है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या है सर? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सर अरशद अवान। कितनी उम्र है आपकी? सर होगी 40 साल। 40 साल। और यहाँ पे कितना अरसा आपने गुजारा है? सर मेरे 15 साल हो गए। ये LB की शॉप है मेरी और ये भाई है अपने सरदार साहब, सामने लाला वेली के शेख रशीद साहब। लाला वेली वैसे क्या क्यों कहते हैं? सर इसको लाल वेली ये एक अपना किला है, एक लाल वेली और आपको पता है सियासी मतलब एक खड़े शेख साहब किस टाइम निकलते हैं लाला वेली? शेख साहब इधर ही होते हैं यहाँ नाश्ता करते हैं साथ, ये पाओ वाले के पास और ये खाने वाले के पास, और इधर ही नाश्ता वगैरह करते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर इस्लामाबाद चले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। शेख साहब सुबह नमाज के टाइम पे करते हैं। शेख साहब अगर रात को जितना मर्जी लेट सोए सुबह जल्दी उठते हैं। नाश्ता दफा दिखाई है तो मैं यहाँ पे नाश्ता करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। बिल्कुल ये सामने दरख्त है, ये इसके नीचे चने वाला है, पावे वाला है, यहाँ ही वो नाश्ता करते हैं। मरबल बैठे रहते हैं, ये मरबल चेयर बड़ी होती है, यहाँ भी बैठ जाते हैं। बड़े अच्छे मतलब एक अच्छे आदमी है, अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे आप इतना अमीर बन रहे तो वो इतने छोटे छोले के जो किस तरह जो बैठ के कारण काम? देखें अमीर तो वो अभी हुए हैं ना, पहले भी वो इसी तरह थे, इसी मोहल्ले में वो रहते हैं, सामने गली में उनका घर था, और बहुत अच्छे इंसान है, हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। हमारा 15 साल हो गए हमारे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे है, हमारे साथ उनका बहुत कोऑपरेट रहा है। सुबह सवेरे सवेरे बिल्कुल जो ना अर्ली अर्ली टाइम पे जो उनका जो ना लाला वेली को ताले लगाए गए थे, ये क्या हुआ था? वो तो आपको बताइए सियासी इंतकाम होता है ठीक है, और उन्होंने सील कर दी थी वेली पे, लिया था कि क्लियर है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। बस वैसे ही एक उनका अपना मतलब, जब वो जब आते हैं ना कोई भी कुमक का होता है तो वो ऐसे ही मतलब करता है, लेकिन हम तो खान साहब के साथ खड़े हैं और शेख साहब के साथ खड़े हैं। शेख साहब एक बहुत अच्छे इंसान है। शेख साहब को जब पकड़ा था वो कहते जब हम पहुंचे तो शेख साहब के हाथ में जो है शराब की बोतल थी। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। शेख साहब ये साथ ही हमारी मस्जिद है ठीक है, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, एक अच्छे इंसान है, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये फिर इसके ऊपर ये इल्जाम लगाना ये तो बहुत बुरी बात नहीं है? असल में गलत है, लेकिन आपको पता है इम्पोर्टेड हुकूमत है ठीक है, वो सारा टोला मिला हुआ है तो उसने ऐसे करना ही करना है, जाहिर है। शेख साहब कहते मेरे मरना जीना सब कुछ है ना खान के लिए। नहीं वो तो बेशक खान के साथ है, हम भी खान के साथ खड़े हैं ठीक है, और इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये महंगाई के लिए जो है मैं अपने कपड़े बेच के जो है सारी चीजें खत्म। यार वो वही बात है, वो स्मेल वाले कपड़े कौन खरीदेगा ठीक है, लेकिन खान साहब अगर कहें मैं अपने कपड़े बेचूं तो वो खरबों मिलियन में बिके। तो कितने तक बिक जाएगा खान साहब? वो खान साहब का तो बैठ आपने सुना था कितने का बिका है, और सहन उस लड़के पे उन्होंने किया वो सहन करोड़ों में ठीक है। खान साहब के साथ ये कहाँ मिल सकती है, ये टोला खान के साथ नहीं मिल सकता। इतनी महंगाई उन्होंने की, अब क्या बनेगी इतनी ज्यादा महंगाई? यार यकीन करें कि हर बंदा इतना एक तंग हो गया कि आपकी सोच है, यकीन करें कि बहुत परेशान है लोग। लेकिन देखें माता अल्लाह करे कुछ बेहतर हो, ये 90 दिन का टाइम है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मजीद खान आएगा इंशाल्लाह, खान के साथ फंड आएंगे, बहुत अच्छा मतलब एक माहौल बनेगा, बाहर के लोग उसके साथ आएंगे, बाहर से देखें ना पैसा हमारे पास आएगा, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक तो ये हालात बहुत खराब है। मरियम नवाज साहब कहते हैं कि इस हुकूमत के साथ मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं है, कहीं से भी जो है इसके साथ मेरा जो बदबू है वो भी इसके साथ नहीं मिलता। ओ नहीं, मरियम नवाज इसके मुकाबले का नहीं है, खान के मुकाबले का कोई नहीं है। हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई भी मौलवी साहब से लेके मौला डीजल से लेके, मौलवी साहब तो कहना है मौला डीजल से लेकर कोई बंदा भी हमारे खान साहब के मुकाबले का नहीं। कुछ आखिरी पैगाम है फिर इस भाई से कब तक कर दें? बस यही पैगाम है अवाम से, अवाम से यही पैगाम है कि क्या नाम है, आप खान के साथ खड़े हों और खड़े रहें, इंशाल्लाह खान आएगा और आपके हालात और मुल्क के हालात बेहतर करेगा। चलो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? ठीक है अल्लाह का करो। क्या नाम है आपका? कलीम कुरैशी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल। 60 साल है। कब से शेख साहब को देख रहे हो आप? साहब को बचपन से देख रहे हैं। छोटे तो आप इकट्ठे हैं? इनकी रिहायश मेरी रिहायश एक जगह है।
किस जगह पे आप गिरे? भाबड़ा सराफा बाजार में। अब भी आप पहले बचपन में? जी हम भी उधर ही थे बचपन में। आप हमारे बड़े भी वहीं से हिजरत करके आए थे। इकट्ठे खेलते थे, पढ़ते थे, क्या करते? हमारे बड़ों में से हैं ये शेख साहब जो है, ये बड़ों में से हैं, और राशिद शफीक जो है ये हमारे बच्चों में से। हाँ, तो शेख साहब को आपने कैसे देखा? शेख साहब को इंशाल्लाह इलाके के लिए, अपने हलके के लिए सब कुछ अच्छा देखा है। कहते शेख साहब को पकड़ा, कहते शेख साहब तो नशा कर रहा था रात को, हमने इसके साथ पागल है जो कह रहे हैं। हमने तो आज